आपके लॉस को रिकवर करवाने के लिए एक और सीरीज में लेकर के आया हूँ जिसका नाम है लंका प्रीमियर लीग। आपको इस चैनल पे केवल उन्हीं मैचेस के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो हमारे हिसाब से आपको प्रॉफिट करवा सकते हैं। आप अगर लॉस में हो वर्ल्ड कप में, आईपीएल में, तो ये सीरीज आप कवर करो, आपके सारे लॉसेज रिकवर हो जाएंगे। हर साल हम इस सीरीज में लाखों करोड़ों में कन्वर्ट करते हैं। केवल मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। मार्केट में कोई भी लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो बना करके नहीं देता है, केवल आपको हमारे चैनल पे ही लाइव विनिंग प्रूफ देखने को मिलेगा। मैं जल्दी से इस मैच की बात कर लेता हूँ, होने वाला है बी लव कैंडी और दाम्बुला के बीच में। बी लव कैंडी वही टीम है जिसने लास्ट सीजन लंका प्रीमियर लीग की ट्रॉफी जीती थी, डिफेंडिंग चैंपियन है। पहला जो मैच होने वाला है पली केले स्टेडियम में होने वाला है। क्या कुछ यहाँ होने वाला है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ जो लास्ट के चार मैचेज हुए हैं उसमें क्या हुआ है। लास्ट मैच तो लो स्कोरिंग हुआ था, दाम्बुला को कोलंबो की टीम ने 89 पे मात्र ऑल आउट कर दिया था और कोलंबो की टीम ने 9 विकेट से मैच को जीत लिया था। वैसे भी ये श्रीलंका का वेन्यू है, श्रीलंका के वेन्यू पे आपको पता है कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, तो यहाँ पे स्पिनर्स को तो आपको लेना ही लेना है, प्लस इम्पॉर्टेंट पेसर्स भी लेना है। और ये जो पल्ली केले स्टेडियम है यहाँ पे रन बहुत बनते हैं, भले इस मैच में रन नहीं बना आपको बैट्समैन भी लेके चलने हैं। क्या करना है मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। 8 विकेट पेसर ने, 2 विकेट स्पिनर ने लिए। उसके पहले कैंडी टस्कर्स ने 160 बना दिया और जाफना मात्र 150 ही बना पाई, लेकिन फिर भी 150 तक पहुंची। दोनों इनिंग में अच्छी बैटिंग होती है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है, विकेट दोनों इनिंग में बहुत ज़्यादा गिरे, 8 विकेट 9 विकेट, टोटल 17 विकेट गिरे। 9 विकेट लिया पेसर ने, 7 विकेट लिया स्पिनर ने। पहली इनिंग सेकेंड इनिंग का देख लेते हो, देख सकते हो आप। पहली इनिंग में 4 विकेट पेसर ने लिया, सेकेंड इनिंग में 5 विकेट लिया स्पिनर ने। पहले इनिंग में 4 विकेट और सेकंड इनिंग में 3 विकेट। गाले ने 193 बना दिया, मैंने आपको बताया था बैटिंग पिच है, और कोलंबो ने इतना बड़ा टारगेट चेस कर लिया। यहाँ भी कोलंबो ने काफ़ी तेजी में 90 बना के चेस किया था। 10 विकेट पेसर और 1 विकेट स्पिनर। कैंडी टस्कर ने 193 बनाया, दाम्बुला को 116 पे ऑल आउट कर दिया। कई बार दबाव की वजह से टीम ऑल आउट हो जाती है भले ही बैटिंग पिच हो। 8 विकेट पेसर ने लिया, 4 विकेट स्पिनर ने लिया। अब आते हैं यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट। यहाँ की जो पिच होती है एक बैलेंस सरफेस होता है, यहाँ पे देख सकते हो। ये बैट्समैन को भी हेल्प करता है प्लस बॉलर को भी हेल्प करता है, जो आपने देख लिया कि विकेट भी गिर रहे हैं, रन भी अच्छे खासे बन रहे हैं। अर्ली यहाँ पे स्विंग मिलता है, यानी पेसर्स को अर्ली विकेट्स मिल सकता है जब पिच फ्रेश होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉल की साइन होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद रन बनाना बैट्समैन के लिए ईजी हो जाता है। वही बात आपने देखा अभी। टोटल यहाँ पे 25 डोमेस्टिक मैच हुए, 14 बैटिंग फर्स्ट, 11 बैटिंग सेकंड ने विन की, 161 का एवरेज है। 240 जाफना का हाईएस्ट है, 89 यानी 89 दाम्बुला का लोएस्ट है, जो कि लास्ट मैच में हुआ था इस वेन्यू पे। 10 बार 150 के नीचे गया है, 6 बार 150 से 169, 4 बार 170 से 189 और 5 बार बना है 190 प्लस। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सेव करके रख लेना 9140233474। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी यूजर आईडी है, क्यूआर कोड है, ये टेलीग्राम चैनल आपको दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं, इंटरनेशनल मैच भी यहाँ पे 22 हुए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 12, बैटिंग सेकंड ने 8 जीते हैं, 2 टाई हुआ है। यहाँ भी अच्छे खासे रन बने हैं, एवरेज स्कोर 170 प्लस है, 173। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 263 बनाया था, बहुत बड़ा स्कोर होता है T20 में। और लोएस्ट 88 है न्यूजीलैंड का, 5 बार 150 के नीचे, 5 बार 150 से 169, 6 बार 170 से 189 और 6 बार 190 प्लस। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इस वेन्यू पे कौन से बैट्समैन और बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं वो आप देख लो। यहाँ पे दिनेश चंडीमल ने 15 मैच में 422 बनाए, 38 का एवरेज है। दिनेश चंडीमल का यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है पाली केले स्टेडियम में। कमिंदु मेंडिस ने 9 मैच में 311 बनाया, अगर खेलते हैं तो आप ले सकते हो। बैटिंग पीछे अच्छे बैट्समैन है और पार्ट टाइम बॉलिंग कराते हैं। एंजेलो मैथ्यूज बहुत एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, 10 मैच में 242 रन है, 30 का एवरेज और बॉलिंग भी कराएंगे। दसुन सनाका ने यहाँ पे 11 मैच में 487 का एवरेज है, 4 विकेट है। सबसे अच्छा किसी प्लेयर का अगर अभी तक जो मैंने देखे हैं उसमें एवरेज है दसुन सनाका का, और उसके बाद यहाँ पे लहिरु मधुसंका का, ठीक है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये तो बॉलिंग करा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो फर्नांडो ने 8 मैच में 188 बनाया है, 37 का एवरेज है। एसला गुनारत्ने ने 8 मैच में 146 बनाया है, 4 विकेट है। लहिरु मधुसंका इन्होंने 5 मैच में 110 बनाया है, 3 विकेट है। दसुन सनाका 11 मैच में 487 है,
चार विकेट है, दो जगह इनका नाम आ गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। और एन फर्नांडो ने तीन मैच में दो विकेट लिया है, 16 रन है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको सामने दिख रहे हैं। बॉलिंग में कसुन रंजीता ने पाँच मैच में 11 विकेट लिए हैं, जो कि बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। चमीरा ने एक मैच में तीन लिया है, तो सारा ने छः में छः लिया है। अकीला धनंजिया ने 10 में 12 लिया। ये सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। अब यहाँ पे हेड टू हेड में कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो सबसे पहले दाम्बुला की तरफ से एन फर्नांडो ने तीन मैच में 76 बनाए हैं बी लव कैंडी के अगेंस्ट में। एन थुसारा ने पाँच मैच में 6 विकेट लिया है। जजाई ने दो मैच में 22 बनाए, कोई खास नहीं है। मधुशंका का भी खास नहीं है। नुवान प्रदीप ने तीन मैच में 5 विकेट लिए हैं। कुशाल परेरा ने एक मैच खेला 58 बनाया। गुनाथिलका ने चार मैच में 226 बनाया, 56 का एवरेज है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं गुनाथिलका। बीच में आई थिंक बिग बैश खेलने गए थे, फिर कुछ की वजह से, मतलब उन्होंने कुछ मिसबिहेवियर है कुछ ऐसा किया था, तो इनको हटा दिया गया था, वहाँ से बैन कर दिया गया था। दिनेश चंडीमल ने 7 मैच में 156 बनाया है बी लव कैंडी की तरफ से दाम्बुला के अगेंस्ट। कमिंदो मेंडिस ने 6 मैच में 110। एंजेलो मैथ्यूस ने 5 मैच में 65, 2 विकेट। आजम खान ने 3 मैच में 70। हसरंगा ने 8 मैच में 86 और 11 विकेट भी लिए हैं। चतुरंगा डिसिल्वा ने 5 मैच में 5 विकेट, 35 रन। और कसुन रंजीता ने एक मैच खेला है और 5 विकेट लिया है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हेड टू हेड मैचेस के रिकॉर्ड देख लेते हैं जो दोनों टीम के बीच में हुए हैं। लास्ट मैच में दाम्बुला ने 147 बनाया और बी लव कैंडी ने चेस कर लिया। और वैसे भी बी लव कैंडी लास्ट सीजन की विनर थी, तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। धनंजय डिसिल्वा खेल रहे थे उस समय, 40 बनाया। सदीरा समर विक्रमा ने 36, कुशाल परेरा ने 31 बनाया। नूर अहमद ने 3 विकेट, बी फर्नांडो ने 2 विकेट। यहाँ पे कमिंदो मेंडिस ने 44 बनाया, मोहम्मद हैरिस ने 26, एंजेलो मैथ्यूस ने 25, चतुरंगा डिसिल्वा ने 2 विकेट और प्रदीप हसनैन ने 1 विकेट। मोहम्मद हसनैन भी खेलेंगे, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, अच्छे पाकिस्तान के बॉलर हैं। दाम्बुला ने 162 बनाए। यहाँ बी लव कैंडी नहीं चेस कर पाई, यहाँ पे ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अविस्का फर्नांडो ने 41, समरा विक्रमा ने 31, 4 विकेट धनंजय डिसिल्वा, 2 विकेट प्रमोद मधुसन, दिनेश चंडीमल ने 50, एंजेलो मैथ्यूस ने 26, हसरंगा ने 19 रन 1 विकेट, नुवान प्रदीप ने 3 विकेट, मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट, चतुरंगा डिसिल्वा ने 2 विकेट लिए। दाम्बुला ने 156 बनाया, बी लव कैंडी ने चेस कर लिया। धनंजय डिसिल्वा का हर जगह नाम आ रहा है, यहाँ भी आया यहाँ भी आया, 32 रन अविस्का फर्नांडो। इसके अलावा यहाँ पे हैडन कैर ऑस्ट्रेलिया के जो एक प्लेयर है, फ़कर जमान ने 28, चंडीमल ने 28, इसरो उदाना ने 2 विकेट और मुजीबुर रहमान ने 2 विकेट लिए। 160 बनाया बी लव कैंडी ने, और जिसमें दाम्बुला की टीम चेस नहीं कर पाई। भंडारा ने 27, ए भंडारा के भंडारा दोनों ने अच्छा खेला, 37, थॉमस ने 3 विकेट, ये सब खेलेंगे नहीं। सिकंदर रजा ने 45 रन 1 विकेट, तिलक रत्ने ने 21 रन 3 विकेट और 1 विकेट परेरा ने लिए थे। चलिए आगे चलते हैं, हमको केवल इंपॉर्टेंट प्लेयर पे ध्यान देना है, लेके चलना है, आसानी से आप विन कर जाओगे, बहुत अच्छी सीरीज है। अब हेड टू अब देख लेते हैं, मैचअप देख लेते हैं, प्लेयर्स बैटल, कौन से बॉलर किस बैट्समैन को आउट करते हैं। तो बी लव कैंडी के बैट्समैन और दाम्बुला के बॉलर देख लेते हैं। नुवान प्रदीप ने 41 बॉल में 2 बार चंडीमल को आउट किया है, लेकिन रन भी काफ़ी खाए हैं, 72 रन इन्होंने खाए हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मुजीबुर रहमान ने 5 बॉल में 1 बार कमिंदो मेंडिस को आउट किया है। थुसारा ने 25 बॉल में 4 बार आउट किया है एंजेलो मैथ्यूज को, ठीक है। और थुसारा ने ही हसरंगा को भी 16 बॉल में 3 बार आउट किया है। नुवान प्रदीप ने 22 बॉल में 3 बार दसुन सनाका को आउट किया है। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट बॉलर है वो नुवान प्रदीप और थुसारा है, जिनका कई जगह मैचअप देखने को मिला है। अब दाम्बुला के बैट्समैन और बी लव कैंडी के बॉलर देख लेते हैं। हसरंगा ने 19 बॉल में 3 बार गुनाथिलका को आउट किया, तो हसरंगा तो कैप्टन अब बनाओगे ही बनाओगे, बाकी एक एक विकेट वाला रिकॉर्ड है, आप देख लेना, एक से ज़्यादा विकेट वाला हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं। अब आगे चलते हैं, दोनों टीम के बीच में टोटल 10 मुकाबले हुए हैं, 6 जीता है बी लव कैंडी ने, 4 जीता है दाम्बुला ने, और लास्ट के 3 मैच लगातार जीती थी बी लव कैंडी, क्योंकि विनर भी थी तो लास्ट मैच जीत के ही आई थी। दाम्बुला लास्ट मैच हारी, तो उसके पहले लगातार 4 जीती थी। आगे चलते हैं, अब दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग करने चाहिए आंद्रे फ्लेचर, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 कंफर्म नहीं है, बट प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये है, जो चेंज होगा वो तो आपको टॉस के बाद पता लग ही जाएगा। डी करुणात्ने के साथ ओपनिंग करेंगे, फिर दिनेश चंडीमल, आगा सलमान जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, एंजेलो मैथ्यू, दसुन सनाका, रमेश मेंडिस, वैदो हसरंगा, डी चमीरा, कसुन रंजीता और मोहम्मद हसनैन, पाकिस्तान के बॉलर। अब यहाँ पे देख लेते हैं
दाम्बुला की प्लेइंग 11, कुसाल परेरा ओपनिंग करेंगे इब्राहिम जदरांग के साथ, फिर मार्क चैपमैन आ सकते हैं, टी हृदय है जिनका वर्ल्ड कप भी अच्छा गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी अच्छा गया, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, मोहम्मद नबी है, हेमंता काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, एल मधुसंका है, फिर इसके बाद एन फर्नांडो, अकीला धनंजिया, नुवान थुसारा और मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सभी प्लेयर का अलग अलग रिकॉर्ड देख लेते हैं। अभी तो ये T10 खेल रहे थे, स्पाइस, इसलिए T10 आंद्रे फ्लेचर अच्छे प्लेयर है, हिट एंड मिस वाले प्लेयर है, बैटिंग पिच है, शुरुआत में आकर के अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इनको 281 मैच का। इसके अलावा रिसेंट रिकॉर्ड कुछ खास वैसे है नहीं, ज़्यादा खेलते नहीं इंटरनेशनल वगैरह, अब एक मैच में 44 है, बाकी वेन्यू पे कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक है। डी करुणनाथ ने यहाँ के लोकल प्लेयर है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस तो नहीं है बट काफ़ी समय से खेलते आ रहे हैं, रिसेंट फॉर्म में लास्ट 86 है। इसके अलावा इस वेन्यू पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 7 मैच में 114 है। दिनेश चंडीमल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 182 मैच में, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। रिसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है और वेन्यू पे भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे, लंका प्रीमियर लीग के स्टार प्लेयर है। अब इनकी आगा सलमान की बात की जाए तो PSL में तो अच्छा करते हैं बट यहाँ देखने वाली बात होगी क्या करेंगे, ऑफ स्पिन भी कराते हैं, लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग करा सकते हैं, देखेंगे। एंजेलो मैथ्यूस तो मस्ट पिक है, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, ज़्यादातर लोग कैप्टन हसरंगा को वाइस कैप्टन मैथ्यूस को बनाएंगे, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, आप देख सकते हो 3000 से ज़्यादा रन, 192 मैच में 90 विकेट है, बीच में बॉलिंग इन्होंने कराना बंद कर दिया था इसलिए विकेट उतने नहीं है इनके खाते में, नहीं तो बहुत अच्छी बॉलिंग भी कराया करते थे। एंड रिसेंट फॉर्म अच्छी है, ठीक ठाक है, इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, वेन्यू पे भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है, इंपॉर्टेंट है। दसवन सना का मस्ट पिक है, ये मैजिकल प्लेयर है, अगर एक ओवर करते हैं तो भी एक दो विकेट निकाल लेते हैं और इनका बॉलिंग का कंफर्म नहीं रहता लेकिन कराते हैं तो विकेट मिल जाता है जनरली, देख सकते हो, और बहुत एक्सपीरियंस इनको भी हो गया, 4000 के आसपास रन है, 70 विकेट है और इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, रमेश मेंडिस है, इनकी बात की जाए तो ये भी काफ़ी विकेट्स निकालते हैं, लोग जनता इनको नहीं लेके चलती है लेकिन ये कई बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, वैसे कोई खास रिकॉर्ड हेड टू हेड खेला ही नहीं है, वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है लेकिन प्लेयर बहुत शानदार है, ध्यान देना पड़ेगा। हसरंगा, इनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, सीधे कैप्टन बना देना, 165 मैच में 226 विकेट है और ये जितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं उतनी अच्छी बैटिंग भी करते हैं और यहाँ बैटिंग से परफॉर्मेंस करेंगे, लास्ट सीजन जो टीम ने जीता था इनकी वजह से जीता था और वर्ल्ड कप में भी अच्छा करके आ रहे हैं, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे ठीक ठाक रिकॉर्ड है। आगे चलते हैं, इसके बाद चमीरा एक और काफ़ी अच्छे बॉलर, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत शानदार, बहुत एक्सपीरियंस है इनको भी, 117 मैच में 116 विकेट है, रिसेंट फॉर्म अच्छी है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे ठीक ठाक है। आगे चलते हैं, कसुन रंजीता बहुत शानदार बॉलर, एक ही मैच हेड टू हेड में खेला है, 5 विकेट लिया है, वेन्यू में 5 में 11 विकेट है, रिसेंट फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है बट बहुत एक्सपीरियंस है, 62 मैच में 87 विकेट है। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के प्लेयर का आपको पता है जिस दिन चलेंगे उस दिन 3-4-5 विकेट ले लेंगे या तो फ्लॉप रहेंगे बट बॉलर अच्छे हैं, बट आजकल PSL में भी उतना चलते नहीं है, यहाँ हो सकता है चल सकते हैं। कमिंदु मेंडिस एक और अच्छे प्लेयर है, यहाँ देख सकते हो हेड टू हेड में इनका अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे भी इनका अच्छा रिकॉर्ड है और फॉर्म कुछ खास नहीं है, वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे, और करियर समरी इनकी, इनको एक्सपीरियंस काफ़ी है, लंका प्रीमियर लीग में भी अच्छा खेलते हैं, ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आजम खान है, आजम खान वही डोमेस्टिक में चलते हैं, इंटरनेशनल में तो चले नहीं थे बट काफ़ी शानदार प्लेयर हैं, 164 मैच में 3198 रन है, खेलेंगे तो तेज़ी में रन बना सकते हैं, बैटिंग पिच है, वैसे हेड टू हेड और वेन्यू दोनों में ये फ्लॉप रहे हैं, कोई खास इनका रिकॉर्ड नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे चतुरंगा डिसिल्वा, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी कर लेते हैं, एक्सपीरियंस भी काफ़ी, 120 विकेट 144 मैच में 1400 से ज़्यादा रन है, इसके अलावा हेड टू हेड में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ही है, और वेन्यू पे भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे ए भंडारा है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कई बार, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं। तो यहाँ पे 49 मैच में 991 रन है, 35 का एवरेज है इनका और रिसेंट फॉर्म इनकी ठीक ठाक है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। लक्षण संदकन भी अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पे देख सकते हो इनका भी 83 विकेट है 76 मैच में और रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छी है, हेड टू हेड में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, वेन्यू पे भी ठीक ठाक है। इसके बाद यहाँ पे कुसाल परेरा है, फोटो गलत लगी हुई है, इनकी फोटो नहीं, कुसाल परेरा को आप जानते हो, सनत जयसूर्या की तरह खेलते हैं, उन्हीं का आइडल मानते हैं और उन्हीं की तरह बैटिंग करते हैं,
160 मैच में 3600 से ज़्यादा रन है। रिसेंट फॉर्म इनकी अच्छी है और हेड टू हेड में इन्होंने एक मैच में 58 बनाया है और वेन्यू पे इनका अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे इब्राहिम जदरान है, वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा करके आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म है और बहुत एक्सपीरियंस है, टिक के खेलते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बट यहाँ की कंडीशंस देखते हैं उनको कितनी जल्दी जज करते हैं। चैपमैन कुछ खास नहीं है, कभी कभी चलते हैं, उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। टी हृदय की कंडीशंस वही है, बांग्लादेश में जैसी है वैसी श्रीलंका में भी लगभग है, तो अच्छा कर सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किया है। मोहम्मद नबी यूजफुल हो सकते हैं, स्पिनर को भी मदद है, प्लस वैसे इनका रिकॉर्ड कोई खास रिसेंट फॉर्म वगैरह अच्छी नहीं है, बट बहुत एक्सपीरियंस है, 350 विकेट है 400 मैच में, 6000 के आसपास रन है। इसके बाद यहाँ पे डी हेमंता है, डी हेमंता की बात की जाए तो अच्छे प्लेयर है और कोई खास रिकॉर्ड दिख नहीं रहा है, बट एक्सपीरियंस काफ़ी है, 43 मैच में 24 विकेट है, 560 रन है। एल मधुशंका की बात की जाए तो इनका इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, 5 मैच में 110 रन है, 3 विकेट है, बाकी हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं। इसके बाद एन फर्नांडो है, ये भी ठीक ही ठाक है, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड है वैसे इनका, हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है और बॉलिंग ये नहीं कराते, मेनली बैट्समैन है। फिर अकीला धनंजय आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो अकीला धनंजय तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, 130 मैच में 149 विकेट है, बट आजकल उतने विकेट ले नहीं पाते हैं, वेन्यू पे वैसे इनका अच्छा रिकॉर्ड है। नुवान तो सारा इंपॉर्टेंट है, मस्ट पिक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, 84 मैच में 110 विकेट है, मलिंगा वाला एक्शन है इनका एंड वेन्यू हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। मुस्तफिजुर रहमान आप सभी को बताया, बहुत एक्सपीरियंस है, 257 मैच में 325 विकेट है, विकेट टेकिंग बॉलर है, हेड टू हेड वेन्यू पे ये खेला नहीं है। गुनाथिल्का एक और स्टार प्लेयर है, लेकिन कुछ गलत आदतों की वजह से ये उतने हाईलाइट अब नहीं हो रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, आजकल उतनी बॉलिंग नहीं दी जाती, वो भी टीम में इनकी चलती नहीं है उतनी पहले जितनी चलती थी। उदारा की बात की जाए ठीक ठाक प्लेयर है, कोई खास रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। इफ्तिकार अहमद ये भी अच्छे प्लेयर है पाकिस्तान के, आप जानते ही होंगे इनको, रिसेंट फॉर्म कुछ खास है नहीं, वैसे एक्सपीरियंस काफ़ी हो गया है इनको और देखते हैं क्या करते हैं। एसला गुनारत्ने भी काफ़ी पुराने प्लेयर हैं, 84 मैच 1544 रन 59 विकेट है, लीजेंड क्रिकेट लीग वगैरह भी खेलते हैं, अच्छा कर सकते हैं बट बॉलिंग का कंफर्म नहीं रहता है। करीम जनर डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, इंटरनेशनल में तो फ्लॉप रहे थे, वहाँ पे उतनी बॉलिंग भी इनको नहीं दी गई थी, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, वैसे हेड टू हेड वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। डी मधुशंका ठीक ठाक प्लेयर है, वैसे 4 मैच 5 विकेट वेन्यू पे अच्छा है, हेड टू हेड विकेट नहीं ले पाए, रिसेंट फॉर्म ठीक है, लास्ट मैच में कुछ खास किया नहीं था, 35 मैच में 33 विकेट है। हैदर अली है पाकिस्तान के प्लेयर, हिट एंड मिस वाले, कुछ खास नहीं है। जजाई भी अच्छे प्लेयर है अफगानिस्तान के, अगर खेलते हैं तो ले सकते हो। नुवान प्रदीप इंपॉर्टेंट रहेंगे, 130 मैच में 149 विकेट है, बहुत एक्सपीरियंस है इनको, 10 मैच में 12 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इसके अलावा यहाँ पे पी जया विक्रमा अगर खेलते हैं तो ठीक ठाक प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर हैं इनके स्क्वाड में। मोहम्मद हैरिस पाकिस्तान के प्लेयर, अच्छे प्लेयर है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, एक हमने डेमो टीम यहाँ पे बनाई हुई है। चंडीमल इंपॉर्टेंट है, करुणात्ने हसरंगा एंजेलो मैथ्यू दसन सनाका चमीरा और रंजीता, ये बी लव कैंडी के इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कुशाल परेरा के असली फोटो ये है, अब पहचान गए हो गया। मोहम्मद नबी है, मुस्तफिजुर रहमान तो सारा, मैंने इतने प्लेयर लिए हैं, बाकी मैंने आपको प्लेइंग 11 के साथ बता दिया है। कैप्टन आपको बनाना है हसरंगा को, वाइस कैप्टन का जहाँ तक सवाल है एंजेलो मैथ्यूज़ को बना सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे थुसारा को, कसुन रंजीता को, इन लोगों को बना सकते हो। ये हमारी कुछ प्रीवियस विनिंग है जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पेड मेंबरशिप की बात कीजिए, हमारा एकमात्र व्हाट्सअप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। लंका प्रीमियर लीग और T20 ब्लास्ट का हमने पैकेज कंबाइंड कर दिया है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत ही लिमिटेड स्पॉट हमने अभी इंक्रीज किया है, चूँकि आज से सीरीज स्टार्ट हो रही है, कल से प्राइस भी हम इंक्रीज कर देंगे, तो आप हो सकता है कि मेंबरशिप ना ले पाओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट दोस्त अंकुरी साइनिंग आउट, बाय।